डीआरडीओ सेप्टम 10 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और स्टेनो का जो रिजेक्शन लिस्ट है जो कि एक्सपेक्टेड था कि भाई दिसंबर लास्ट तक हो आ जाए, लेकिन जिस हिसाब से अभी रिजेक्शन लिस्ट या कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई उस हिसाब से ये देखा जा रहा है कि भाई जो मल्टीपल अप्लीकेशन जब आप भरते हो तभी आपका रिजेक्शन लिस्ट आता है, तभी आपका जो पिछला वाला फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, नया वाला एक्सेप्ट हो जाता है। बाकी इसके अलावा फोटो वगैरह में कोई भी रिजेक्शन यहाँ पे डीआरडीओ नहीं करता है। तो ओवरऑल जिस हिसाब से देखा जा रहा है, जिस हिसाब से 7 तारीख तक कहीं ना कहीं मैंने आपसे बोला था कि 7 तारीख तक एक बार देख लेते हैं, लेकिन अभी भी कोई भी रिस्पांस नहीं आया हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप सभी के जो फॉर्म्स हैं वो अपने मल्टीपल हो सकता है भरे ना हो, जिसकी वजह से रिजेक्शन लिस्ट नहीं आएगा। तो ओवरऑल अभी तक तो यही लग ही रहा है, लेकिन जिस हिसाब से अगर हम देखें एग्ज़ाम की तो एक्सपेक्टेड है जनवरी लास्ट में, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर आपने फॉर्म में सारी चीज़ें सही भरी है, अगर मल्टीपल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल फॉर्म किसी ने भरा नहीं होगा, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। बाकी जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, क्योंकि लगातार क्वेरी पूछी थी।